बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आपको इस ट्राउज़र की कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। इसके लिए जो है मैंने ये करंडी फैब्रिक यूज़ किया है। आप इसको खद्दर पे भी बना सकती हैं, लीलन पे भी बना सकती हैं, या किसी भी समर फैब्रिक पे भी बना सकती हैं। टोटल मैंने 84 इंचीज़ जो है वो फैब्रिक लिया है, दोनों साइड से 84 इंचीज़ है। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि इसकी लंबाई में 2 इंच का फ़र्क आए। हाँ जी, ये मैंने रख लिया है कपड़ा। तो हमारे पास जो बैक साइड है उसकी लेंथ टोटल 41 इंचेस आएगी और फ्रंट की लेंथ 43 इंचेस। 2 इंचेस का हम डिफरेंस रखेंगे ताकि हम उस पर पिनटेक्स डालें तो दोनों साइड्स हमारी बराबर आ जाए। अब बैक साइड पर मैं नीचे से 2 इंच जो है वो पाइचे की फोल्डिंग के लिए छोड़ रही हूँ, और 36 इंचेस जो है वो हमारे ट्राउज़र की लेंथ है। आप अपने ट्राउज़र की लेंथ के हिसाब से इसको वेरी भी कर सकती हैं। और ऊपर से जो इलास्टिक की फोल्डिंग है उसके लिए मैंने 3 इंचेस लिए हैं, तो ये टोटल मिला के 41 इंचेस हमारा बन जाएगा फैब्रिक। अब हम इनको अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक साइड को। ऊपर से ये देखे मैंने काट लिया है। अब हम बैक साइड को हटा देंगे इसके ऊपर से। और फ्रंट साइड की थोड़ी सी कटिंग, क्योंकि फ्रंट साइड हमें चौड़ाई में कम चाहिए, तो इसको देखें मैंने साइड से इस तरह से काट दी है। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी चौड़ाई फ्रंट की और बैक की कितनी होनी चाहिए। कोशिश करें कि बिल्कुल आप इसको सीधा काटें, कोई अरेब वगैरह ना हो कपड़े में। हाँ जी, ये फ्रंट साइड है हमारी। इसकी जो है वो चौड़ाई फोल्ड करने के बाद 17 इंच बनी है, और ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड को फोल्ड करने के बाद जो है वो 20 इंच इसकी चौड़ाई बनी है, क्योंकि 3 इंच जो है वो हमारी डिज़ाइनिंग में ये वाला फैब्रिक इस्तेमाल होगा। इस तरह फोल्ड हम इसको करेंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। हाँ जी, यहाँ से हमने आसन का मार्क लगा लिया है, 13 इंच पे चाहिए हमें, और यहाँ से हमें इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच चाहिए, और ऊपर से 14 इंच। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद गोलाई में इस तरह से आपने इस पर निशान लगा लेना। यहाँ से हम क्या करेंगे, आसन के बिल्कुल सामने से स्टार्ट करते जाएंगे और 1 इंच पे इस तरह से लाइन लगा लेंगे। नीचे से मैंने पाइचा जो है वो 6.5 इंच चौड़ा रखा है, और उसको हम पहले सीधा लेके आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको गोलाई में लाते हुए यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। आपने अंदर वाली साइड पे ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, सिर्फ आपकी सिलाई का मार्जिन होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको गोलाई में ला के और नीचे मैंने पाइची के साथ मिला दिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम अंदर से कटिंग करेंगे, और जो मैंने निशान लगाया है साइड वाला, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक और फ्रंट को अब हम साइड से भी बराबर रख देंगे, और जो 1 इंच का मैंने फासला छोड़ के एक सीधी लाइन बनाई थी उसकी भी हम इस तरह से ये देखें कटिंग कर लेंगे। सिर्फ हमने यहाँ तक इसकी कटिंग करनी है, आगे हम सीधा इसको काट लेंगे। ये देखें, अब मैं ये फ्रंट साइड यहाँ पर रखूँगी, और नीचे से पाइचे की 2 इंच की फोल्डिंग छोड़ के हम यहाँ पे अंदर और बाहर दोनों साइड पे 2-2 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अंदर वाली साइड पे 8 मार्क लगाएंगे और बाहर वाली साइड पे मैं 10 मार्क लगाऊंगी। ये देखें, 2-2 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिए। अब इसकी फर्स्ट जो साइड है उसको हमने दूसरे नंबर वाले निशान के साथ जो है वो इस तरह से मिलाते जाना है, ताकि उधर से 8, 2 हम यहाँ से छोड़ देंगे तो हमारे
ये वाले 10 जो हैं वो उधर से मिल जाएंगे। नीचे से आपने जहाँ पे 10 निशान लगाए हैं वहाँ से 2 निशान आपने निचली साइड से छोड़ देने। ये टेढ़ी लाइन्स हमने बनानी है। आप इसको प्रेस भी कर सकती हैं। हाँ जी, मैंने सिंपल हल्की का धागा लिया, उसके 3 जो हैं वो मिला दिए हैं और इसको फिरकी में इस तरह से डाल देंगे। और ये देखें, मैंने पाइचे पे इस तरीके से जहाँ निशान लगाए थे वहाँ पे प्रेस कर लिया है। हाँ जी, आपने जो है इसको मशीन के नीचे इस तरह से रखना है कि ये वाली साइड आपकी ऊपर आए। ऊपर वाली साइड पे आपने मशीन के बिल्कुल सिंपल मैचिंग धागा डालना है, सिर्फ एक ही, और आपने सिर्फ फिरकी में 3 धागे डालने हैं। और इस तरह से हम रखेंगे। ये देखें, मैंने एक सिलाई लगाई है, पिनटेक्स डाली है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने रख के लगानी है सिलाइयाँ। और ये देखें, मैंने डिफरेंट कलर्स लगा के और ये सिलाइयाँ लगा ली हैं। तकरीबन 8 हमारे पास ये बनेंगी। आप इसकी तादाद बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो कर सकती हैं। अभी ये हम बैक साइड लेंगे और साइड से इसको ये देखें इस तरह फोल्ड करके और ऊपर मोटे बखिए की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, मैंने पूरी पे सिलाई। अब हम फ्रंट साइड लेके उसको उल्टा करेंगे और जो बैक साइड पे हमने पट्टी बनाई थी उसको हम सीधी साइड से इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। ये पट्टी की सीधी साइड है और नीचे वाले हिस्से की उल्टी साइड, इनको हमने ये देखें इस तरह से आपस में सी देना है। मोटे बखिए की सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सीधी सिलाई लगाएं। ये वाला स्टेप जो है ये बिगनर्स के लिए है, जिन्हें पहले से सिलाई आती है वो इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम ऊपर से इस पट्टी को जोड़ देंगे, साइड पे सिलाई लगाएंगे। इसको पूरा हमने नहीं जोड़ना, सिर्फ जहाँ तक हमारी पिनटेक्स है वहाँ तक जोड़ेंगे। उसके बाद ये देखें, जहाँ पे पहली हमारी पिनटेक्स आई है उसके बाद हम इसको इस तरह से मशीन को मोड़ देंगे और जैसे पिनटेक्स का रुख है उसी रुख पे हम ये टेढ़ी सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे ताकि यहाँ से ये बंद हो जाए। नीचे से इसको बटन्स के साथ कवर कर देंगे। हाँ जी, ये देखें इस तरह से मैंने जोड़ लिया, बैक साइड से भी इतना नीट बना है ये। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, हर जो है वो धागे की सिलाई के ऊपर उससे मैचिंग हम जो है वो बटन लगाएंगे। हाँ जी, ये ट्राउज़र हमारा बन के रेडी हो चुका है। नीचे से मैंने इसके पाइचे पे इस तरह तुरपाई की मदद से इसको फोल्ड कर लिया। तकरीबन 2-2 इंच मैंने फोल्ड किया और ये देखिए कितना नीट ट्राउज़र हमारा डिज़ाइन बन चुका है। ऊपर से भी हमने इसको स्टिच कर लिया कंप्लीट और यहाँ पे जो हमने इसको जोड़ लिया था वहाँ पे भी मैंने बटन लगा दिए। और ये देखें इस तरह से कितना खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन हमारा बन चुका है। आप इसको सेव करना चाहती हैं तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर लें। चलिए जी, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाजमी आपने लाइक करनी है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलें जी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।